तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज। देखिए मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज जो होती है वो क्या करती है, साइड बाय साइड अल्कोहल भी बनाती है। तो मोलासेस इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन जूस। देखिए शुगर फैक्ट्रीज जो है वहां पर शुगर केन के जूस से, गन्ने के जूस से शुगर बनाई जाती है और बाय प्रोडक्ट एक बन जाता है मोलासेस नाम का, एक मई जाला म्हणतात मराठीत, वो बन जाता है बाय प्रोडक्ट, तो उसे मोलासेस बोलते हैं। तो उसकी मदद से अल्कोहल बनाया जाता है उसका फर्मेंटेशन करके। इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें काफी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोलासेस इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट कॉल्ड सैकरोमाइसिस। तो एक जो यीस्ट की प्रजाति है सैकरोमाइसिस, उनकी मदद से उन मोलासेस को फर्मेंट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल C2H5OH अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ईस्टर एंड अदर अल्कोहल्स एज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, इथेनॉल एक अल्कोहल का प्रकार है, पीने वाला अल्कोहल यानी शराब जो होते हैं मदिरा वो बनता है। स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। देखिए इथेनॉल का जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन होता है, प्योर वर्जन, वो स्पिरिट बनता है उससे। उसका उपयोग जो है वो लैबोरेटरीज में कुछ चीजें गर्म करने के लिए किया जाता है। फिर स्पिरिट का यूज जो है इंजेक्शन लगवाने के बाद या ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपको कॉटन दिया जाता है, वो जो लगाते हैं वो कॉटन जो होता है वो स्पिरिट में डुबोया हुआ होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। इथेनॉल जो है एक धुआं न छोड़ने वाला, प्रदूषण न करने वाला एक अच्छे क्वालिटी का फ्यूल भी है, ईंधन। बिसाइड्स मोलासेस मेज बार्ली एंड अदर ग्रेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। देखिए मोलासेस के अलावा इन अनाजों का प्रयोग भी किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। मेज बार्ली या दूसरे जो अनाज है, बार्ली से मेनली बियर बनाई जाती है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज द शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेप जूस आर ऑल्सो फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट टू प्रोड्यूस द अल्कोहल विच इज यूज फॉर मेकिंग वाइन्स। देखिए शुगर जो ग्रेप जूस यानी जो अंगूर होते हैं उनका जो जूस होता है द्राक्ष, त्यांचे जूस मध्ये शुगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है और उनका फर्मेंटेशन किया जाता है यीस्ट की मदद से और उनसे भी अल्कोहल बनाया जाता है जिसे वाइन कहा जाता है, वाइन्स। और इसके कारण जो द्राक्ष अंगूरों के बागीचे होते हैं उन्हें वाइन यार्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। यूज यूर ब्रेन पावर। Recently, it has been made compulsory in India and some other countries to mix 10% ethanol with fuels like petrol and diesel. What is the reason for this? देखिए हमारे देश में और बाकी भी कुछ देशों में क्या किया गया है, नियम बनाया गया है कि हमारा जो पेट्रोल डीजल जो हम गाड़ियों में भरते हैं उसमें 10% इथेनॉल मिक्स किया जाना चाहिए। इसका क्या कारण है ये पूछा है, क्योंकि देखिए इथेनॉल ये सस्ता है, रिन्यूएबल फ्यूल है, इसके कारण क्या होता है हमारा बहुत सब पैसा खर्च हो जाता है बाहर से इंपोर्ट करने में, पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल है वो। तो अगर 10% इथेनॉल हम यूज करेंगे तो उसके कारण हमारा पैसा भी बच जाएगा काफी और जो है पोल्यूशन पर भी लगाम लग जाएगा, पोल्यूशन भी कम होगा, इसके कारण ये नियम बनाया गया है। Why are wineries located near Nashik in Maharashtra? Wineries यानी वाइन बनाने की जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत अधिक मात्रा में है नाशिक डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाशिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सबसे अधिक अंगूर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसके कारण जो है ग्रेप्स का प्रोडक्शन अधिक होने के कारण वहां पर ज्यादा वाइनरीज है। चपाती इज मेड फ्रॉम व्हीट, ओनली स्वेल अप बट ब्रेड बिकम स्पॉन्जी सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, वाई इज इट सो। देखिये चपाती जो होती है जब हम गर्म करते हैं तब वो फूल जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो पानी होता है जो आटे में भिगोते समय हम डालते हैं वो भाप बन जाती है और वो भाप अंदर कैद होती है और वो फुलाती है रोटी को, जब उसे दबाते हैं हम ऊपर से तब वो भाप निकल जाती है, तो वो टेम्परेरी स्वेलिंग होती है। लेकिन ब्रेड जो होता है वो आपने पिछले वीडियो में देखा है कि
आटे में ही हम यीस्ट मिक्स कर देते हैं, वो फर्मेंटेशन के समय क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो ट्रैप हो जाता है आटे में, इसके कारण वो आटा फूल जाता है और वैसे ही अवस्था में उसे बेक करने के कारण वो स्पॉन्जी बन जाता है, सॉफ्ट और इजी टू डाइजेस्ट. क्यों होता है? क्योंकि हर फर्मेंटेड पदार्थ जो होता है, जैसे इडली लीजिए, डोसा वगैरह, तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं और पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं. बायोरिमेडिएशन, अ यीस्ट यारोविया लाइपोलैटिका इज यूज टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिन्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल एंड द हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स रिलीज इन सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. देखिए, यारोविया लाइपोलैटिका नाम की जो यीस्ट है वो कहां पर यूज की जाती है? पाम ऑयल जो होता है वो बनाते समय कुछ टॉक्सिक पदार्थ यानी कुछ पॉइजनस पदार्थ रिलीज होते हैं, तो उनको एब्सॉर्ब करने के लिए किए जाते हैं. और क्या होता है, बहुत सी जो फैक्ट्रीज होती है वो नदियों में वगैरह समुद्र में अपना पानी छोड़ देती है, जो वेस्ट वाटर होता है वो, उसमें कई बार काफी हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड हो या आर्सेनिक हो वगैरह, तो वो हार्मफुल होते हैं समुद्री जीवों के लिए, और इवन अगर पानी पीने में आए हमारे तो उन हमारे लिए भी हार्मफुल होता है. तो ऐसा नियम होता है सरकार का कि ऐसे हार्मफुल पदार्थ जो है वो निकाल कर उसका पानी मिलाया जाए बाहर, तो वो जो है पदार्थ एब्सॉर्ब करने के लिए, ये ऐसे हेवी मेटल्स और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने के लिए ये जो यीस्ट है यारोविया लाइपोलैटिका उसका उपयोग किया जाता है. सैक्रोमाइसिस सीरेविसी इज यूज फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ अ पोल्यूटेंट आर्सेनिक. जैसे कि मैंने बताया आर्सेनिक नाम का एक पोल्यूटेंट है, वो काफी पॉइजनस होता है, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए भी इस यीस्ट का नाम इस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सीरेविसी. ये सारे नाम इनके स्पेलिंग्स आपको याद रखने हैं. ऑयल स्पिल्स इन ओशंस आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ एल्केनिवोरेक्स बैक्टेरिया. अगर देखिए पूरे विश्व में जो है जो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है वो मोस्टली समुद्र के रास्तों से होता है, जहाज कैरी करते हैं वो ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल. कभी कभी अगर जहाज उलट जाए वो, तो पूरा ऑयल समुद्री सतह पर फैल जाता है और उसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, और उसके कारण समुद्र में जो प्राणी रह रहे हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स वगैरह है, उनके जीवन खतरे में आता है. तो इसके कारण वो ऑयल जो है एब्सॉर्ब करने की प्रोसीजर करवाई जाती है, और वो एब्सॉर्ब किया जाता है एल्केनिवोरेक्स बैक्टीरिया द्वारा. अभी देखते हैं एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ये है एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन. एंटीबायोटिक्स वो होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं मेनली, जो बैक्टीरिया या फंगी से प्राप्त किए जाते हैं और वो यूज किए जाते हैं दूसरे हार्मफुल जो हमारे लिए हानिकारक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको मारने के लिए और उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए वो यूज किए जाते हैं. एंटीबायोटिक्स अ डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. देखिए एंटीबायोटिक्स ने बहुत एक क्रांति लाई है औषध निर्माण के इतिहास में. 20वीं शताब्दी में पहली बार एंटीबायोटिक्स की खोज की गई और उसके बाद मेडिसिन इंडस्ट्री बहुत बदल गई और बहुत सी बीमारियां काबू में आ गई. इवन ए डिसीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज. इन एंटीबायोटिक्स के कारण जो बहुत ही भयानक जो बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस वगैरह, टीबी, वो भी बहुत से देशों से पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है. एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया. देखिए एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, मेनली हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं. सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ जैसे अमीबा वगैरह है उनको भी नष्ट करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स. सम एंटीबायोटिक्स आर यूज अगेंस्ट अ वाइड वराइटी ऑफ बैक्टीरिया. कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो तरह तरह के बहुत ज्यादा टाइप्स के बैक्टीरिया के लिए एक ही तरह का एंटीबायोटिक यूज किया जा सकता है उनको नष्ट करने के लिए. दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. उन्हें कहते हैं ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बहुत ज्यादा टाइप्स के वराइटी ऑफ बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. उनके एग्जाम्पल्स आर एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा. ये नाम आपको याद रखने हैं.
when the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. देखिए क्या होता है, कभी कभी डिसीज जब होता है तब उसके सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं हो पाता, एग्जैक्ट डॉक्टर को पता नहीं चल पाता टेस्ट करने के बाद भी कि किस पैथोजन यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली किस बैक्टीरिया के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है, ये बीमारी हुई है, ये कभी कभी पता नहीं चलता। तो क्या करते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ताकि ये जो है कई सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए काम में आता है। तो अगर अनजान मतलब कोई भी हो तो उसे भी मार देता है। Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. देखिए जब पता होता है कि कौन से एग्जैक्ट जब पता होता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बैक्टीरियम कारणीभूत है डिसीज होने के लिए, अगर वो एग्जैक्ट पता हो तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी किसी एक विशेष पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने के लिए काम आते हैं। एग्जाम्पल्स आर पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा। Institutes at work, the National Institute of Virology established in 1952 in Pune undertakes research related diseases like measles, jaundice, fever and diseases of the lungs with the help with the support from the World Health Organization. देखिए एक National Institute of Virology स्थापित की गई है पुणे में 1952 में। वो क्या करती है, अलग अलग जो diseases है जो viruses के कारण होते हैं, virology यानी study of viruses, तो जो मीजल्स है, जॉन्डिस है, फीवर है, ऐसे जो डिसीजेस है उनको क्योर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कई सारे मेडिसिन बनाना वगैरह उसका काम ये इंस्टीट्यूट करती है। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। देखिए पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक है जो एक फंगस से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नाम के, and is used for controlling the infections caused by bacteria like staphylococci, clostridia, streptococci, etc. देखिए ये किन बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है, तो staphylococci, clostridia और streptococci और भी कुछ है। Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of ear, nose, throat and skin as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. देखिए penicillin जो medicine है वो कौन सी bacterial infections को cure करने के लिए, कान के, नाक के, गले के infection के लिए, skin के infection, त्वचा के, और pneumonia के लिए, और scarlet fever. Scarlet fever यानी उसमें जो है temperature बढ़ता है body का और tongue जो होती है जीभ उस पर रैशेस आते हैं रेड कलर के, तो वो होता है स्कारलेट फीवर, उसको भी क्योर करने के लिए पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। कॉशन, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। देखिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कभी भी मन से नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर के सलाह से ही लेने चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेने चाहिए, अपने मन से नहीं लेने चाहिए। डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। देखिए कभी भी एंटीबायोटिक अपने मन से या मेडिकल शॉप के दुकानदार के सलाह से मत लीजिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जैसे यूजफुल होते हैं वैसे ही वो एलर्जिक भी होते हैं। किसी किसी व्यक्ति को बहुत भयानक एलर्जीज भी कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन के कारण भी, साइड इफेक्ट्स के कारण भी बहुत सी मृत्यु होते हैं, तो वो पता होना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेने चाहिए। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक अ थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। देखिए छोटी छोटी बीमारियों के लिए बार बार एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी के लिए भी हार्मफुल होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसके कारण बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से। जैसे छोटी छोटी बीमारियां जैसे गले का इन्फेक्शन हो या सर्दी हो या जो फीवर होता है उसको क्योर करने के लिए बार बार एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। देखिए एंटीबायोटिक्स का जो होता है टैबलेट्स फॉर्म में होते हैं जनरली, तो वो पूरा कोर्स जो होता है वो 6 टैबलेट या फिर
नौ टैबलेट, ऐसे अलग अलग कोर्सेस में होता है डोसेस में। तो अगर आपको दो टैबलेट्स लेने के बाद भी बेहतर फील हो रहा हो, फिर भी आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, जितने टैबलेट्स डॉक्टर ने दी है वो पूरा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में से ही छोड़ देते हैं तो बाद में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनकी ग्रोथ डबल तेजी से होने लगती है और वो बीमारी जो है वो और जोर से उलट सकती है। इसके कारण पूरा कोर्स करना चाहिए वो, ताकि जिसके का जो है पैथोजेंस जो है पूरी तरीके से नष्ट हो हमारे शरीर में। डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वेर यूजफुल टू यू। देखिए, आपको जो फायदेमंद साबित हुए हैं एंटीबायोटिक्स, वो आप अपने मतलब अपने आप से दूसरों को सलाह देने के लिए मत जाइए, क्योंकि उनके तबीयत कैसी है, उनको सुटेबल होता है कि नहीं वो आपको नहीं पता, उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए कही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट सेंट मेरीज हॉस्पिटल, हैड कल्चर्ड वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इन पेट्री डिशेस इन हिज लैबोरेटरी। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे माइक्रोबायोलॉजी के सेंट मेरी हॉस्पिटल में। तो उन्होंने क्या किया था, अलग अलग बैक्टीरिया और फंगी को पाला था एक तरीके से पेट्री डिशेस में, पाल पोसकर उनकी कॉलोनीज बनाई थी पेट्री डिशेस में। पेट्री डिश यानी कांच के डिशेस होते हैं लैब में यूज किए जाने वाले, उनमें वो ग्रो किए थे। ऑन 3rd of September 1928, while observing staphylococci cultures, he made an interesting observation in one petri dish. जब वो 3 सितंबर 1928 को staphylococci के जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे पेट्री डिश में, तो उनको क्या ध्यान में आया, इन दैट पेट्री डिश फंगल कॉलोनीज हैड ग्रोन, बट द एरिया अराउंड दोज कॉलोनीज वॉज क्लीन एंड क्लियर, दैट इज बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड। तो उस पेट्री डिश में जहां पर फंगल कॉलोनीज ग्रो हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, उनके आसपास का एरिया बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं था, तो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो चुके थे वहां पर। आफ्टर फर्दर स्टडीज ही कन्फर्म दैट द फंगस ग्रोइंग देयर वॉज पेनिसिलियम एंड इट्स सीक्रेशन हैड डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो उन्होंने बाद में स्टडी करने के बाद पता लगाया क्या कि जो फंगस वहां पर ग्रो कर रहा था वो पेनिसिलियम था, और वो जो फंगस है वो ग्रो करते समय जो न्यूट्रिशन लेता है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, और न्यूट्रिशन होने के बाद अपना पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के बाद जो एक्सक्रीट करता है, सीक्रीट करता है जो पदार्थ, उस पदार्थ के कारण जो है सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज मर गई थी, ये उन्होंने पता किया। Thus the first antibiotic penicillin had been discovered accidentally and this formed the basis for attempts to find cures for incurable diseases. तो इस तरीके से जब उन्हें पता चला कि बैक्टीरिया तो पूरे नष्ट हो चुके हैं उस सीक्रेट पदार्थ के कारण, सीक्रेट किए हुए, तब उन्हें लगा कि एंटीबायोटिक इसका प्रयोग किया जा सकता है हमारे शरीर में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उनको मारने के लिए। तो उसके बाद कई सारे एंटीबायोटिक्स की खोज करने का प्रयास किया गया। Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotics? तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए Alexander Fleming का, इतना महत्वपूर्ण उन्होंने खोज की इसलिए। Wonderful to know, ants grow fungi in their termitarium and heal and obtain food from it. देखिए, ants जो चींटियां होती है वो अपने बिल में कई सारे फंगी के फंगल कॉलोनीज ग्रो करती है और उनकी मदद से वो फूड अन्न प्राप्त करती है। सम स्पीसीज ऑफ वास्प्स एंड अदर इंसेक्ट्स ले देयर एग्स इन फंगल बॉडीज ग्रोइंग ऑन ट्रीज, दस एंश्योरिंग अ फूड सप्लाई फॉर देयर लार्वी। देखिए, कुछ वास्प यानी जो पंखों वाली चींटियां होती है वो, और कुछ कीड़े क्या करते हैं कि फंगल बॉडीज में, फंगी के फंगल कॉलोनीज में अपने अंडे देती है, ताकि जब वो बच्चे उनके पैदा हो, लार्वे यानी छोटे बच्चे, कीड़ों के बच्चों को लार्वे बोलते हैं, वो जब पैदा होते हैं तब इनिशियल स्टेजेस में उनको वो जो है फूड प्राप्त करते हैं फंगी से। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी तक हमने जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो देखे, अभी देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंगी,
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके उत्तर आगे हमें पता चलने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं। विच चेंजेस डू यू नोटिस इन लेदर आर्टिकल्स एंड गनी जूट बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पूछा है कि जो चमड़े की वस्तुएं होती है, जैसे शूज हो, वैलेट्स हो, पर्सेस हो, बेल्ट्स हो, और जो गनी बैग्स यानी जो गोणी जिसे कहते हैं पोतो जलमंडल, वो उनमें क्या बदलाव आते हैं जब बारिश का मौसम आता है तब। फॉर हाउ लॉन्ग afterwards कैन यू यूज those आर्टिकल्स, बाद में कितने दिनों तक वो आर्टिकल यूज किए जा सकते हैं, इनके उत्तर आगे हमें पता चलने वाला है। Why do these articles not get spoiled during the summer or winter? तो ये आर्टिकल्स समर और विंटर में, धूप के मौसम में और ठंड के मौसम में खराब क्यों नहीं होते, सिर्फ बारिश के मौसम में ही खराब क्यों होते हैं, ये पूछा है। देखिए जानते हैं, चलिए। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द एयर। देखिए नॉर्मल हमारे एयर में जो है कई सारे फंगी जो होते हैं उनके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स यानी एक तरह के सीड्स होते हैं, जैसे प्लांट के सीड्स होते हैं बीज, तो इनके बीजाणु होते हैं यानी माइक्रोस्कोपिक बीज सीड्स होते हैं। तो वो जो होते हैं हवा में तैरते रहते हैं और उन्हें ग्रो करने के लिए थोड़ा मॉइस्चर लगता है। जब भी मॉइस्चर अवेलेबल होता है तब वो उन फंगी वो जर्मिनेट होते हैं और उनमें से फंगल कॉलोनीज डेवलप होती है। तो हमारे बारिश के मौसम में, मॉनसून सीजन में मॉइस्चर होता है हवा में, इसके कारण वो जनरली मॉनसून सीजन में ग्रो करते हैं। इफ देयर इज सफिशियंट मॉइस्चर स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक गनी बैग्स लेदर वुडन आइटम्स एटसेट्रा। जब उन्हें मॉइस्चर मिलता है, और ये जो वस्तुएं दी गई है लेदर प्रोडक्ट्स, गनी बैग, कॉटन फैब्रिक, ये तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने वाले होते हैं, तो इसके कारण वहां उनके ऊपर जो है वो जर्मिनेट होते हैं और उनकी कॉलोनीज डेवलप होती है। द फंगल हाइफी दैट इज फाइबर्स ऑफ द फंगस पेनेट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड रिप्रोड्यूस। तो फंगल हाइफी जो होते हैं, हाइफी यानी उनके धागो जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करता है, पेनेट्रेट करता है इन मटेरियल्स में डीपली और वह उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। This causes the materials to wear and become weak. इसके कारण क्या होता है, वो material जो है leather के या bags, gunny bags वगैरह, cotton के कपड़े, वो weak हो जाते हैं। As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc. on which fungi have grown do not last long. तो ये जो वस्तुएं हैं वो अगर उन पर फंगल ग्रोथ हो तो वो ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है बाद में। Wooden items also get spoiled. और लकड़ी की वस्तुएं भी स्पॉइल हो जाती है, इसी के कारण उनको जो है पॉलिश किया जाता है। समटाइम्स यू मे नोटिस अ ब्लैक पाउडर और व्हाइट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द पिकल और मुरब्बा व्हेन अ जार इज ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, व्हाई आर सच फूड आइटम्स नॉट गुड टू ईट। देखिए कभी कभी अगर आप 6 महीने 7 महीने अगर कंटिन्यूअसली अचार का जो डिब्बा है वो अगर बंद रखते हैं और बाद में ओपन करते हैं 6-7 महीने के बाद, या फिर मुरब्बा हो, साखर अंबा जलमंडल, उनका जो डब्बा है वो ओपन करो तो उनके ऊपर एक ब्लैक तरह का लेयर बना हुआ होता है, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, कभी ग्रे, तो वो क्या होता है और वो पढ़ेंगे हम। चलिए, वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगी ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एटसेट्रा। तो इन पदार्थों को बहुत दिनों तक बंद रखने के बाद, यूज न करने के बाद क्या होता है, उनके ऊपर फंगल ग्रोथ होती है, उनका लेयर होता है। दे यूज द न्यूट्रिएंट्स इन दीज फूड आइटम्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन खाद्य पदार्थों में, वो कंज्यूम करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी कॉलोनीज बढ़ाते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं। वो जो एक्सक्रीट करते हैं, जो पदार्थ सीक्रीट करते हैं, वो काफी पॉइजनस होते हैं, और अगर वो हम खाए वैसे ही तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है और प्राण भी खतरे में जा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज माइकोटॉक्सिन्स सर्टन पॉइजनस केमिकल्स इन टू द फूड एंड दस फूड बिकम्स पॉइजनस। तो माइकोटॉक्सिन्स छोड़ते हैं, टॉक्सिक यानी पॉइजनस पदार्थ, तो इसके कारण जो फूड है, ये पदार्थ जो है वो पॉइजनस बन जाते हैं। हैंस द फूड ऑन विच फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। तो ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिन पर ब्लैकिश या ग्रेश या व्हाइटिश लेयर डेवलप हुआ है, वो नहीं खाने चाहिए। क्लॉस्ट्रिडियम
sometimes cases of food poisoning occur during community feast. जब community feast होती है यानी बहुत लोग खाने पर बुलाए जाते हैं, शादी होती है, विवाह होता है, मतलब विवाह या भंडारा होता है मंदिरों में जो भी है, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग होता है, बहुत से 200 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है वगैरह आपने न्यूज में सुना होगा. हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन? द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रिडियम. तो इस बैक्टीरिया के कारण जो है, क्लॉस्ट्रिडियम के कारण जो कुक्ड फूड है, जो पकाया हुआ पदार्थ है, वो खराब हो जाता है. आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस बैक्टीरियम, सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल, वेयर आर सम लिविंग इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. देखिए, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम है, उनके 100 अलग अलग तरह के स्पीसीज है इस बैक्टीरियम के, और कुछ उनमें से जो है फ्री लिविंग होते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली सॉइल में रह सकते हैं, कुछ जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, कुछ प्राणियों के, जानवरों के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं. दीज बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशन. ये जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए ये रॉड शेप्ड है क्लॉस्ट्रिडियम, देखिए ये, तो ये क्या करते हैं, जब उन पर एडवर्स कंडीशन आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो वो बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स बनाती है. देखिए ये ऐसे, इनके जैसे. वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विदस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशन. देखिए उनकी एक विशेषता यह है कि वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक कंडीशन में ही ग्रो कर सकते हैं, यानी जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहीं पर वो ग्रो कर सकते हैं. हमारे हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, तो वो उतना उन्हें सूट नहीं करता. ठीक है, अदर हार्मफुल माइक्रो, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डू ओनली द क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? क्या सिर्फ क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया हमें हार्मफुल होता है? नहीं, बाकी भी होते हैं. अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिसीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमंस. देखिए बाकी भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरसेस है, प्रोटोजोआ है जैसे अमीबा वगैरह, फंगी भी है, उनके कारण हमें अलग अलग बीमारियां होती है. यू हैव लर्न्ड अबाउट वायरसेस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स. देखिए वायरसेस के बारे में आपने पढ़ा है, वायरसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जो होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह, वो किसी लिविंग सेल के बाहर भी जीवित रह सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग सेल के बाहर नहीं रह सकते, दूसरे किसी लिविंग सेल के बाहर वो जीव मतलब काम नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते और रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते. जब उन्हें उनका पर्टिकुलर होस्ट मिलता है, यानी उनका पर्टिकुलर शिकार मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके सेल के अंदर जाने के बाद ही वो ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ दे आर हार्मफुल टू अस, तो उनके बारे में कुछ देखते हैं. एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. It was believed that meat gets spoiled due to some bacteria of the bacillus type, but the exact type of bacillus was not known. देखिए पहले जो मांस होता है वो खराब होने का कारण जो है एक तरह का बैक्टीरिया माना जाता था बैसिलस टाइप का, लेकिन एग्जैक्ट उसका टाइप पता नहीं था. Van Emmergem proved that anaerobic bacterium Clostridium botulinum is responsible for food poisoning. बाद में Van Emmergem एर्मेनेजम ने प्रूव किया कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बॉटिलिनम वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग के लिए, पर्टिकुलरली मीट के खराब होने के लिए. ईडा बेंगस्टन ऑब्टेन्ड हायर एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री एट शिकागो यूनिवर्सिटी. ये भी एक साइंटिस्ट थी, ईडा बेंगस्टन नाम की, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में शिकागो यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी. शी कंडक्टेड इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑन द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन एंड एंटीटॉक्सिन यूजफुल फॉर ट्रीटिंग इट. देखिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च किया था, स्टडी की थी जो ऐसे टॉक्सिन पर जो गैस गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. गैस गैंग्रीन एक बीमारी है जिसमें अगर वो पैर को हो जाती है या हाथ को हो जाती है तो पूरा काम करना बंद हो जाता है और वो काटना पड़ता है हाथ या पैर. तो
उस पर उन्होंने काफी स्टडी किया और उसका एंटीटॉक्सिन यानी उसको क्योर करने वाला जो एंटीटॉक्सिन है उसके बारे में भी काफी स्टडी की. व्हाइल शी वॉज डूइंग रिसर्च ऑन द ड्रीडेड डिसीज कॉल्ड टाइफस शी हरसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन. जब वो टाइफस नाम की बीमारी पर स्टडी कर रही थी तब उस वायरस से उनको खुद को इन्फेक्शन हुआ. बट शी ओवरकेम एंड कंटिन्यूड हर रिसर्च. लेकिन वो उसमें से ठीक हुई और उन्होंने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा. फॉर दिस वर्क शी वॉज ऑनर्ड विद द टाइफस मेडल इन 1947. तो उनके इस खोज के लिए उन्हें टाइफस मेडल दिया गया 1947 में. द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. देखिए यहां पर नेम ऑफ डिसीज है, यहां पर पैथोजन. पैथोजन यानी क्या होता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगी कुछ भी हो, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाता है उसे बोलते हैं पैथोजन. मोड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स. पहला डिसीज है एड्स. इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स. ये जो है एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस. तो इसका इन्फेक्शन कहां से होता है? थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स. अगर कोई व्यक्ति एचआईवी इन्फेक्टेड है, किसी को एड्स हुआ है, अगर उसका ब्लड किसी को डोनेट किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति को जिसको उसका ब्लड दिया है उसको भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है. अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल रिएक्शन रखता है उसके साथ उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है. और मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स, अगर कोई माँ एड्स से ग्रस्त है और वो अपना दूध पिलाती है अपने बच्चों को तो उसको भी, बच्चे को भी एड्स हो सकता है. प्रिवेंटिव मेजर्स सेल्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस. देखिए हर बार नए इंजेक्शंस और नए नीडल्स यूज करने चाहिए. एक बार यूज किया हुआ इंजेक्शन दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए. हर बार स्टरिलाइज नया इंजेक्शन यूज करना चाहिए. ठीक है. फिर है हिपेटाइटिस. हिपेटाइटिस वायरस के कारण होता है और मोड ऑफ इन्फेक्शन है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड. दूषित पानी या अन्न खाने से यह हिपेटाइटिस होता है. तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड. स्वच्छ पानी पीना चाहिए और स्वच्छता से अन्न स्टोर करना चाहिए. इन्फ्लुएंजा जो फीवर की तरह होता है वो वायरस के कारण होता है. कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फ्लुएंजा से बाधित किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उनसे आपको भी हो सकता है. इसका प्रिवेंशन क्या किया जाता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. शारीरिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो फॉलो करनी चाहिए और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना चाहिए. मीजल्स एंड चिकन पॉक्स यानी देवी की बीमारी कहते थे उसे पहले, उससे काफी मृत्यु होते थे 1970s तक. तो ये भी एक वायरस के कारण होता है. कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन ये फैलता है. तो इसका उपचार है वैक्सीनेशन, अनकंटेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड. वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है ये न हो बीमारी इसके लिए. फिर स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना खाना चाहिए. नेक्स्ट है बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1. ये जो है ये चाइना के फैलाए हुए वायरसेस है, ये बीमारियां जो बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू है. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है काफी, तो वैसे ही चाइना ने काफी ऐसे बुरे गिफ्ट दिए हैं दुनिया को. ये भी उनमें से एक है, दो है. इससे भी पहले भी दिए है काफी बीमारियां चाइना, क्योंकि वो कुछ भी खाते रहते हैं, चमगादड़ खाते हैं, सांप खाते हैं, छिपकली खाते हैं, तो उसमें से कई सारे इन्फेक्शन उनको होते हैं और फिर वो बाकी दुनिया को तकलीफ देते हैं जैसे अभी हुआ है. तो ये भी वायरस के कारण होता है. कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स. अगर आप इन्फेक्टेड बर्ड यानी चिकन वगैरह खाते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है. या एनिमल्स, इन्फेक्टेड एनिमल्स, स्वाइन फ्लू यानी स्वाइन यानी सुअर पिग, तो उसका फ्लैश खाने से होता है. तो इसके लिए बेस्ट है कि वेजिटेरियन रहे, उससे इन्फेक्शन की संभावना काफी कम होती है. पर्सनल हाइजीन यानी
व्यक्तिगत स्वच्छता फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपरली कुक मीट। अगर आपको मीट खाना ही है, पॉसिबिलिटी मतलब जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो पूरी बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ खाइए, आधा कच्चा आधा पक्का नहीं खाना चाहिए। डेंगू या डेंगी भी जिसे कहते हैं, वायरस के कारण होता है, जब मॉस्किटो से फैलता है, मॉस्किटो बाइट से, यानी मच्छर जब काटता है तो उसके ब्लड से, उसके सलाइवा से आता है और हमारे ब्लड में, और वो हमें इन्फेक्शन होता है। तो ये न हो इसके लिए क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मॉस्किटो कंट्रोल। तो हमारे आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए ताकि मच्छर ना हो। फिर एक जगह पर जमा होने नहीं देना चाहिए पानी को। अगर ऐसे गड्ढे वगैरह है जहां पर पानी जमा हो रहा है, वो तुरंत पूरा मिटा देनी चाहिए, ठीक है। और मॉस्किटोज को कंट्रोल करना चाहिए। न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसका मोड ऑफ स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो जब ये सब व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है, तब उसके जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके कारण ये दूसरे व्यक्ति को फैलता है। इसका इलाज है वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टेक्ट से दूर रहना चाहिए। लेप्रसी बैक्टीरिया के कारण होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर लेप्रसी हुए किसी व्यक्ति से, बहुत दिनों तक आप कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो उसे आपको भी हो सकता है। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, उनके वस्तुएं यूज करने से, जैसे कपड़े वगैरह उनके यूज करने से भी ये हो सकता है। कॉलरा बैक्टीरिया से फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये दूषित पानी और खाने से होता है, तो स्वच्छ पानी और अन्न खाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये मॉस्किटो बाइट से फैलता है, अनक्लीन सराउंडिंग्स, अस्वच्छ वातावरण के कारण होता है। इसी के कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत का मिशन चला रहे हैं, उसके कारण कई सारी बीमारियां कंट्रोल में आ चुकी है पिछले वर्षों में। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, ये इसके उपाय है। डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज वगैरह। तो डैंड्रफ तो आपको पता है, रिंगवर्म यानी पेट में जो है वर्म्स होते हैं, तो वो भी है। और स्केबीज यानी जो है स्किन की इचिंग होती है काफी ज्यादा, तो ये सब फंगल इन्फेक्शन है, फंगी से होते हैं। जब कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हिज और हर बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स, उनके कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तब या उनकी कपड़े वस्तुएं यूज किए जाते हैं तब ऐसा होता है। पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो शारीरिक स्वच्छता फॉलो करनी चाहिए और इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी रखनी चाहिए। यूज योर ब्रेन पावर। फर्स्ट, सॉल्ट इज अप्लाइड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ पीकल जार्स एंड द पीकल इज कवर्ड विथ ऑयल, व्हाई इज इट डन। देखिए, सॉल्ट के कारण क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका ग्रोथ रुक जाती है या कम होती है। इसके कारण पीकल जो होते हैं वो बहुत दिनों तक स्टोर करके रखने होते हैं, हमें पूरे साल भर रखने होते हैं। तो उनमें जब सॉल्ट लगाया जाता है जार्स में वगैरह, तो क्या होता है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ काफी स्लो डाउन होती है। इसके कारण पीकल्स जो है वो खराब होने से बचता है, उसकी लाइफ बढ़ती है, ठीक है। और ऑयल से कवर किया जाता है ताकि उसका हवा से कांटेक्ट ना रहे, ठीक है, हवा में और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ना एंटर कर सके। इसलिए वेज प्रिजर्वेटिव्स मिक्स्ड विद रेडी टू ईट फूड्स टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। देखिए, रेडी टू ईट जो पदार्थ होते हैं पैक में मिलने वाले, उनमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स मिक्स किए जाते हैं। वैसे तो सॉल्ट और शुगर भी काफी अच्छे प्रिजर्वेटिव्स है, उसके बाद अल्कोहल्स भी मिक्स किए जाते हैं, विनेगर बहुत से मिक्स किए जाते हैं, उनके कारण जो है वो पदार्थ उन स्पॉइलिंग से बच जाते हैं, खराब होने से। फाइंड आउट द यूजेस ऑफ फंगी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को फंगी के क्या यूज होते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या यूज होते हैं, देखिए कुछ फंगी होते हैं जिनको कहा जाता है एंडोफाइटिक फंगी।
तो वो क्या करती है, प्लांट्स में ग्रो करती है और ऐसे पॉइजनस पदार्थ बनाती है टॉक्सिक, जो हर्बीवोरस एनिमल्स को वो टॉक्सिक होते हैं ऐसे पदार्थ। यानी जब प्लांट कोई खाने को आता है, बकरी हो या कोई भी हो, तो उनको वो पॉइजनस एक्ट करते हैं। इसके कारण वो प्राणी जो है वो उस प्लांट्स को खाते नहीं, तो इससे प्लांट्स बच जाते हैं। ठीक है, ऐसे फंगी होते हैं, एंडोफाइटिक फंगी जिन्हें कहा जाता है, वो हर्बीवोरस प्लांट्स से बचाता है। उसका एग्जांपल है नियोटाइफोडियम। और कुछ फंगी होती है जो एनिमल में ग्रो करती है, तो उनका भी फायदा होता है। जैसे नहीं, एनिमल में तो ग्रो नहीं करती है, लेकिन कुछ फंगी है जैसे मशरूम्स वगैरह, वो एनिमल्स खाते हैं खाना खाने के लिए, हम भी मशरूम्स खाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन अ कंडीमेंट वेयर एल्स इट इज यूज। देखिए, लाइकेन किसे बोलते हैं, लाइकेन यहां पर फोटो दिया है, देखिए लाइकेन यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंगी, ऐसा इसकी डेफिनेशन है। यानी अल्गी और फंगी मिलजुल कर एक साथ ग्रो करते हैं और वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। मैंने सिम्बायोसिस के बारे में बताया पिछले वीडियो में। तो सिम्बायोसिस यानी एक दूसरे की सहायता करते हुए अल्गी और फंगी ग्रो करते हैं, और अल्गी और फंगी के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, और उनका कई सारे यूजेस हैं, जैसे डाइज बनाने में, डाई रंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं कपड़ों के रंग वगैरह, फिर मेडिसिन के लिए भी यूज किए जाते हैं, फिर मसालों के लिए भी यूज किए जाते हैं। देखिए, ये एक लाइकेन है जो आपने मसाले का पदार्थ है, दगड़ फूल मंजता तला मराठी, तो उसका भी आपने देखा होगा, तो वो भी एक लाइकेन है। ठीक है, तो ये इनके यूजेस है। Which plant and animal diseases are caused by microorganisms and what are the measures to be taken against them? देखिए, plant और animals की diseases कौन से है, ये पूछा गया है। देखिए, plant का एक disease मैं बता देता हूं आपको, एक virus के कारण होता है जिसका नाम है tobacco mosaic virus। tobacco mosaic virus नाम का एक virus होता है जो tobacco plants को infect करता है और उसकी growth को रोक देता है और उसके leaves काफी कम कर देता है। तो ये हो गया वायरस का नाम। और बाकी एग्जांपल्स है, जैसे एनिमल्स को इन्फेक्शन करने वाला है बोविन वायरल डायरिया नाम का है, बोविन वायरल डायरिया। जब इस वायरस का इन्फेक्शन एनिमल्स, कैटल्स यानी गाय भैंस बकरियों को होता है, तब उनको लूज मोशन की तकलीफ होती है। ठीक है, बोविन वायरल डायरिया, BOVINE वायरल डायरिया, DIARRHOEA। ठीक है, तो ये कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स और एनिमल्स को हार्मफुल होते हैं। तो इसका मेजर्स क्या किया जाता है, अगर प्लांट्स को इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स आपको पता है, ऐसे केमिकल्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारते हैं। और एनिमल्स के लिए भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, टैबलेट्स होती है, उनके भी इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, वो मेजर्स है। तो ठीक है, यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है।